Hello everyone and welcome to Unacademy Humanities, India के largest platform, Unacademy के इस Humanities channel पे आप सबका स्वागत है और एक बहुत ही ज्यादा super interesting, super मजेदार history का important concept chapter number 6, भक्ति सूफी tradition का लेकर के मैं हाजिर हूँ। और आज की इस क्लास में हम बहुत ही quickly पढ़ने वाले हैं जो भक्ति ट्रेडिशन के अंदर जो अर्ली शुरुआती ट्रेडिशन आया साउथ इंडिया में, जो ट्रेडिशन आया जिसे अलवार एंड नैनार ट्रेडिशन कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में सारी की सारी चीजें बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से कवर होने वाली हैं। अलवार्स कौन हैं, नैनार्स कौन हैं और कैसे इन्हें पॉपुलरिटी मिली और कैसे जो रूलर्स था उनके प्रति कैसा रवैया इन नए ट्रेडिशन के लिए रहा और कैसे ये नए ट्रेडिशन यहाँ पे पॉपुलर हुए, सारी की सारी चीजें बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, बहुत ही मजेदार तरीके से यहाँ पे कवर होने वाली हैं। और अभी जो है वो आपको बता दूंगी एक और धमाकेदार अनाउंसमेंट अनअकैडमी का। तो मैं आपको बता दूंगी अनअकैडमी जो है भैया जाना जाता है अपने क्वालिटी एजुकेशन के लिए, और ऐसे में अभी एक बहुत ही धमाकेदार बैच जो फ्री बैच रहने वाला है बिल्कुल, यानी कि जिस चीज की आज तक सबसे ज्यादा डिमांड रहती है और आज के समय क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए सिर्फ बोर्ड ही नहीं एक और बड़ा टारगेट अभी बन चुका है, और ये बड़ा टारगेट है सीयूटी को क्रैक करना। तो भैया सीयूटी को क्रैक करने के लिए अनअकैडमी का आरंभ बैच 5 दिसंबर से फ्री यूट्यूब क्लासों में आ रहा है। और ये कहां पे मिलेगा, ये है हमारा अनअकैडमी यूनिटी चैनल, जिसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। एक और हमारा चैनल है दैट इज अनअकैडमी का सीयूटी चैनल, अनअकैडमी सीयूटी के नाम से चैनल है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अनअकैडमी यूनिटीज के साथ बोर्ड एग्जाम और अनअकैडमी सीयूटी के साथ सीयूटी की तैयारी, ये क्लास आप कवर करेंगे मेरे साथ। मेरा नाम है अजय धायल और मैं हूं आपका हिस्ट्री का एजुकेटर, और एक बहुत ही मजेदार क्लास में आप लोगों के लिए लेकर के हाजिर हूं सीयूटी की। और इसी तरीके की ह्यूमैनिटीज की क्लासे भी आप ह्यूमैनिटीज जो चैनल है उसके ऊपर ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे को देख सकते हैं। और साथ ही साथ ये हमारा सीयूटी का रिजल्ट, तो ऐसा ही रिजल्ट आपका भी होगा। और अनअकैडमी आप डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड करो, क्योंकि वहां बहुत यूनिक फीचर मिलते हैं और एक ऐसा ही फीचर है दैट इज कम्युनिटी फीचर, जिसमें फ्री अपडेटेड नोट्स मिलते हैं, इंपॉर्टेंट अपडेट्स, डेली पोल्स, एक्साइटिंग गिवअवेज, अनाउंसमेंट, सब कुछ अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करता है। आज का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस साथ ही साथ आपको बता दूं कि अनअकैडमी का एक बहुत ही बड़ा ऑफर है दैट इज अप्लाई करने पे कोड AJYD10 10% नहीं 45% 4 महीने का सब्सक्रिप्शन जो अभी आपके लिए बहुत ही काम का सब्सक्रिप्शन है वो 5000 से भी कम रुपए में अवेलेबल है। तो भैया अगर अभी आप लोगों ने तैयारी करना नहीं शुरू किया, तैयारी करना चाहते हैं बढ़िया से, तो करें अनअकैडमी के साथ। तो चलिए आइए आपके चैप्टर नंबर 6 का ये एक कॉन्सेप्ट आपको कवर करते हैं, इसे हम क्रैक करते हैं। तो भाई देखिए आपको बताइए कि अर्ली भक्ति आंदोलन जो रहा उसके अंदर हमने देखा कि काफी डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडिशंस यहाँ पे आए और इतिहासकारों ने उन्हें समझने का बताने का प्रयास यहाँ पे किया है, और उन्हें बताने के लिए इतिहासकारों ने उसे दो कैटेगरी में यहाँ पे बांटा है, ठीक है। पहला कैटेगरी है सगुण भक्ति या सगुण कैटेगरी, जिसे विद एट्रीब्यूट्स भी कहा जाता है। दूसरा है निर्गुण भक्ति, जिसे विदाउट एट्रीब्यूट्स भी बोला जाता है। भाई सगुण भक्ति एक ऐसा भक्ति होता है कि इस ट्रेडिशन के अंदर जो एक डाइटी होते हैं शिव जी, विष्णु या उनके अवतार जो हैं, भाई उनकी एक मानव रूपी तरीके से, जैसे एक मूर्ति पूजा नहीं होती कि भाई उनका एक रूप होता है, उनका एक आकार होता है, उसके रूप में उनकी पूजा होती है। निर्गुण भक्ति में भगवान का कोई रूप आकार नहीं माना जाता, उसके एक एब्स्ट्रैक्ट यानी एक प्रकार से ऐसे मान लीजिए कि उसके एक ऐसे मान लीजिए कि एक काल्पनिक रूप को, कि भगवान होते हैं, भगवान का कोई रूप आकार नहीं होता। लाइक गुरु नानक को आपने सुना होगा, कबीर को आपने सुना होगा, ये निर्गुण भक्ति में बिलीव करते हैं और इनका मानना है कि भगवान का कोई रूप आकार नहीं होता।
और उनकी ये पूजा यहाँ पे करते हैं, यानी अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड की निर्गुण भक्ति में यहाँ पे पूजा करते हैं। भैया इसी तरीके से एक ट्रेडिशन सगुण भक्ति में हमने यहाँ पे देखा जो 6th century के अंदर काफी पॉपुलर होता है। भाई 6th century के अंदर जो भक्ति आंदोलन होता है उसके चलते हमने अलवार और नैनार ट्रेडिशन का यहाँ पे उदय देखा। बात करते हैं अलवार की, तो अलवार वो लोग हैं जो लीन हैं या डूबे हुए हैं भगवान विष्णु जी की पूजा में, यानी ये लोग भगवान विष्णु को सुप्रीम मानते हैं या मुख्य मानते हैं, ठीक है। नैनार का मतलब है ऐसे डिवोटी जो भगवान शिव जी को सुप्रीम मानते हैं, ठीक है। तो ऐसे में अलवार जो अलवार से विष्णु जी की और जो नैनार हैं वो यहाँ पे शिव जी की पूजा उपासना यहाँ पे करते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो ट्रेडिशन आए इनके अंदर कुछ यहाँ पे जो है संत आए या इनके डिवोटीज आए जो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे गाते हुए भजन गीत, और भाई तमिल में मेनली ये भजन गीत गाते थे, अपने भगवान की तारीफ में गाते हुए आगे जाते थे और लोगों के बीच अपना भक्ति का आइडिया स्प्रेड करते थे। इवन इन ट्रेवल्स के दौरान इन अलवार्स और नैनार्स ने शुरू शुरू में अपने कुछ मठ या अपने कुछ मंदिरों का भी निर्माण किया, यानी कि भाई जैसे छोटे छोटे भगवानों के उपासना घर नहीं होते, उनका निर्माण किया अपने भगवानों की पूजा के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे ये ट्रेडिशन पॉपुलर होने लगे, जैसे जैसे समय बदला, ये मंदिर भी समय के साथ बड़े बनने लगे, यानी कि ये जो जगह थी वो बड़ी बनने लगी और इवन एक तीर्थ यात्रा का केंद्र भी बन गई। भाई तीर्थ यात्रा का केंद्र बोले तो यहाँ पे काफी बड़े पैमाने पे डिवोटीज काफी यहाँ पे लंबे मतलब एक प्रकार से कतार में यहाँ आने लगे। और माना जाए इतिहासकारों का कि देखिए ये जो यहाँ पे ट्रेडिशन है, चाहे अलवार हो चाहे नैनार ट्रेडिशन, दोनों को ही यहाँ पे काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली या दोनों ही दोनों काफी ज्यादा पॉपुलर यहाँ पे। तो इतिहासकारों की माने तो अलवार और नैनार ट्रेडिशन जो है भाई उन्होंने सबसे पहले तो यहाँ पे आंदोलन शुरू किया जो कास्ट सिस्टम था उनके खिलाफ, प्लस साथ ही साथ ब्राह्मण्स के खिलाफ, भाई जो यहाँ पे धर्म के अंदर बढ़ती कुरीतियां थी, धर्म के अंदर जो बढ़ता कास्ट सिस्टम था उसके खिलाफ उन्होंने जंग यहाँ पे छेड़ी या लड़ाई यहाँ पे छेड़ी और सुधार लाने का कोशिश किया इस सिस्टम में, कास्ट सिस्टम में भी, और ब्राह्मणों का जो डोमिनेशन था उसको भी घटाने का प्रयास एफर्ट यहाँ पे किया। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इनकी पॉपुलैरिटी का कारण क्या है, भाई कि ये कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट करते थे, समाज के अंदर सुधार यहाँ पे लाना चाहते थे। इसी वजह से हमने देखा कि अलग अलग सोशल बैकग्राउंड के लोग, इवन निम्न वर्ग के लोग भी जिन्हें निम्न वर्ग का कहा जाता था वो भी इसका पार्ट बनने लगे, कलाकार, किसान, इवन ऐसे लोग जिन्हें अछूत या फिर अनटचेबल कहा जाता है वो भी इन ट्रेडिशन से अपने आप को एसोसिएट करने लगे, अपने आप को जोड़ने लगे, यानी काफी जो है ये पॉपुलर हो गए या ये कनेक्ट यहाँ पे करने लगे। फिर हमने देखा कि उस समय जो ब्राह्मण्स थे उनकी जो कंपोजिशन थी वेद वो बड़े ही प्रचलित थे, बड़े पॉपुलर थे। तो भैया ये जो नए ट्रेडिशन आए इन्होंने भी अपने डाइटीज की पूजा को पॉपुलरिटी करने के लिए, अपने ट्रेडिशन को पॉपुलरिटी यहाँ पे दिलाने के लिए यहाँ पे कंपोजिशन कुछ रचनाएं यहाँ पे अपने ट्रेडिशन की करी। लाइक अभी हम यहाँ पे देखें कि जैसे यहाँ पे जो एक प्रकार से अलवार्स है, भाई अलवार्स ने और नैनार्स ने दोनों ही अपनी कंपोजिशन बनाई और दोनों ही कहते थे कि हमारी जो कंपोजिशन है वो वेदों के कंपैरिजन में यहाँ पे इक्वलेंट है, यानी जिस तरीके से ब्राह्मणों के लिए वेद है हमारे लिए हमारी कंपोजिशन। लाइक एग्जांपल के लिए आपको बताते हैं कि पुरातन जो पोएम्स थी उनका कंपोजिशन अलवार्स ने यहाँ पे किया, ठीक है, जिसे नलियरा दिव्य प्रबंधनम कहा। भाई 12 अलवार्स जो थे उनकी पोएमों को इकट्ठा करके बनाया गया नलियरा दिव्य प्रबंधनम, जिसे वो लोग तमिल वेद कहते थे, ठीक है। वो लोग क्या डिस्क्राइब करते थे इसे, इसे कहा करते थे भैया ये तमिल वेद है, यानी एक प्रकार से ये जो टेक्स्ट है या ये जो नलियरा दिव्य प्रबंधनम है
ये वो लोग कहते हैं कि भाई जितना हमारे लिए ये इंपोर्टेंट, जितना ब्राह्मणों के लिए वेद इंपोर्टेंट है, जितना सुप्रीम ब्राह्मणों के लिए वेद है, उतना ही हमारे लिए हमारा ट्रेडिशन जो है वो इंपोर्टेंट है। यानी ऐसे एक प्रकार से ऐसे मान लीजिए कि जिस तरीके से ब्राह्मण या यहाँ पे वेदों को मानते हैं उतना हम यहाँ पे मानते हैं। तो भाई काफी पॉपुलरिटी इनको मिली, प्लस इनकी कंपोजिशन भी काफी पॉपुलर यहाँ पे। आखिरकार एक चीज और जिस वजह से ये ट्रेडिशन इतने पॉपुलर हुए, अलवार और नैना ट्रेडिशन, और महिलाओं के बीच भी ये काफी पॉपुलर रहे क्योंकि इन्होंने एक्सेप्टेंस दी। अगर आप वेदों को देखेंगे तो आपको बताइए वेद के अंदर जो महिला भक्ति है उसके ऊपर पूरी तरीके से मनाई है, यानी महिला जो है वो वेद नहीं पढ़ सकती, इसके ऊपर पूरी तरीके से पाबंदी है, इसके ऊपर पूरी तरीके से रुकावट है। लेकिन इन जो ये जो नए ट्रेडिशन आए लाइक अलवार आया, नैनार आया, तो भैया इनको अगर आप देखेंगे तो मैं आपको इनके बारे में बता दूं कि जो यहाँ पे जो महिला संत है उन्हें भी अलाउ किया गया, और इवन जो एक बहुत ही पॉपुलर महिला संत है जिनकी कंपोजिशन आज भी साउथ इंडिया के अंदर गाई जाती है, वो है अंडाल। अंदाज जो है वो एक अलवार महिला है और इनकी पोएमें, इनकी कंपोजिशन जो है वो आज भी साउथ इंडिया में यहाँ पे जानी जाती है। दूसरी महिला जो थी वो नैनार ट्रेडिशन की थी, जो बहुत ही पॉपुलर महिला है, ठीक है, जिन्होंने पैट्रियार्कल सोसाइटी को यहाँ पे चैलेंज किया है। वो महिला कोई और नहीं, वो है करियकाल अमैयार। करियकाल अमैयार जो है वो शिव की भक्त है, शिव जी की भक्त है, और इन्होंने ये बहुत ही पॉपुलर यहाँ पे बनी है क्योंकि इन्होंने कड़ा तपस्वी का पाथ यहाँ पे अपनाया है, ठीक है। यानी ऐसा कभी भी एक महिला ऐसा नहीं करती आई है, लेकिन पहली बार इन्होंने एक डिफरेंट पाथ यहाँ पे अपनाया। इनकी जो कंपोजिशन है वो प्रिजर्व करी गई नैनार ट्रेडिशन में, ठीक है, और ये जो महिला है उन्होंने यहाँ पे अपने सामाजिक कर्तव्य को, लाइक एक महिला को सामाजिक कर्तव्य दिए जाते हैं, जिम्मेदारियां दी जाती हैं कि आप घर को संभाले, घर का चूल्हा चौका संभाले, बच्चों का ध्यान यहाँ पे रखें, अच्छे पुत्र या अच्छे वंशज यहाँ पे दें। लेकिन उन्होंने इन सब चीजों को त्याग दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो नन बन गई, ठीक है भाई, उन्होंने सब कुछ छोड़ करके वो नन जो है वो बन गई हूं, नहीं, उन्होंने संसार में ही रह करके संसार को यहाँ पे चैलेंज किया, यानी कि चैलेंज इन्होंने प्रोड्यूस किया या उनको बहुत ही चैलेंज यहाँ पे किया। तो देखिए हमने देखा काफी बड़े पैमाने पे जो पोएट्स थे अलवार और नैनार के, वो यहाँ पे आए, और जब वो आए तो काफी यहाँ पे वो अपोज करते थे बुद्धिज्म और जैनिज्म को, क्योंकि पहले के समय अगर किन्हीं ट्रेडिशनों को काफी ज्यादा यहाँ पे सपोर्ट मिला हुआ था रूलर्स का, राजा का, तो बुद्धिज्म और जैनिज्म थी। तो धीरे धीरे हमने देखा कि इनके बीच हॉस्टिलिटी या कॉम्पिटिशन टाइप का डेवलप होने लगा। कॉम्पिटिशन इतिहासकारों का कहना है कि एक चीज को लेकर के था, वो था रॉयल पेट्रोनेज या राजा का सपोर्ट। हर एक धर्म आपको पता ही है पॉपुलर होने के लिए, पॉपुलरिटी पाने के लिए, या फिर अपने धर्म को और भी ज्यादा स्प्रेड करने के लिए राजाओं का या पॉलिटिकल सपोर्ट लेता है। तो ऐसा ही इनके बीच में यहाँ पे भी था, और इवन हमने ये देखा भी है कि मैं देखिए जब अलवार और नैनार ट्रेडिशन आए तो साउथ इंडिया में इन्हें काफी सपोर्ट रूलर का, राजा का मिला। लाइक अगर हम देखें तो उस समय साउथ इंडिया में रूल किया करते थे चोला रूलर्स। चोला रूलर्स ने, दोनों ने, अलवार नैनार और ब्राह्मिकल ट्रेडिशन सबको सपोर्ट किया। कैसे सपोर्ट किया भाई, उनके मंदिर बनवाए, उन्हें ग्रांट्स दिए, मूर्तियां बनवाई, उनकी कंपोजिशन को इकट्ठा करवाया, प्रिजर्व करवाया, यानी इनको स्प्रेड करने में या इनको स्प्रेड करने में उनका काफी योगदान रहा। लेकिन सवाल ये आ जाता है कि भाई उन्होंने ऐसा क्यों किया, भाई उनका बेनिफिट क्या था, उनको फायदा क्या इससे मिलने वाला था। भाई फायदा ये था कि एक तो डिवाइन, भाई अपने आप को टू एसोसिएट देमसेल्फ विद डिवाइन माय डियर, या एक प्रकार से ऐसे मान लीजिए कि जो देवता हैं अपने को उनसे एसोसिएट करने के लिए उन्होंने ऐसा किया, और साथ ही साथ अपने आप को यहाँ पे पावरफुल शक्तिशाली दिखाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। तो भैया अलवार एंड नैनार ट्रेडिशन कौन थे, ये किसकी भक्ति करते थे, इनकी पॉपुलरिटी कैसे हुई, कंपोजिशन कैसी थी, सारी की सारी चीजों के बारे में अभी हमने पढ़ा इस क्विक शॉर्ट वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी। अभी कुछ क्विक रैपिड पोल आपको दूंगा, लेट्स क्रैक पोल माय डियर। तो पहला सवाल है, इन हाउ मेनी पार्ट्स डिड द हिस्टोरियन डिवाइड भक्ति ट्रेडिशन, भाई इतिहासकारों ने कितने भागों में भक्ति ट्रेडिशन को बांटा है, चलिए बताइएगा, इन हाउ मेनी पार्ट्स
एक प्रकार से ये बताइए कि कितने भागों में इतिहासकारों ने डिवाइड किया है, और बताइएगा इन हाउ मेनी पार्ट्स डिड द हिस्टोरियन डिवाइड द भक्ति ट्रेडिशन। द करेक्ट राइट आंसर इज टू पार्ट्स, दो भागों में। अगला है सगुण और निर्गुण में उन्होंने बांटा। वेन डिड द अर्ली भक्ति मूवमेंट अरोज, कब अर्ली भक्ति आंदोलन यहां पे आया, बताएं कब अर्ली भक्ति आंदोलन जो है यहां पे आता है। और देखते हैं हम 6th सेंचुरी के अंदर आता है अलवार और नैना ट्रेडिशन के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड्स आर वर्शिप्ड बाय अलवार संत, किस डाइटी को अलवार संतों के द्वारा पूजा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड्स आर वर्शिप्ड बाय अलवार संत, कौन से जो डाइटी हैं उन्हें अलवार संतों के द्वारा पूजा जाता है। और बताइएगा विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट राइट आंसर इज विष्णु। विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड्स आर वर्शिप बाय द नैनार संत, कौन से डाइटी को नैनार संतों के द्वारा पूजा जाता है। एंड द करेक्ट परफेक्ट राइट आंसर हियर इज दैट इज शिवा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लिएस्ट वेद, इनमें से सबसे अर्लिएस्ट वेद कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अर्लिएस्ट वेद, दैट इज ऋग्वेद माय डियर। वाव सुपर, सबसे प्राचीन वेद। द नरीर दिव्य प्रबंधन वॉज फ्रिक्वेंटली डिस्क्राइब एज द, भाई नरीर दिव्य प्रबंधनम को जो नैना अलवार थे उन्होंने कहा या डिस्क्राइब किया क्या, या क्या बोला। भाई नरीर दिव्य प्रबंधनम को उन्होंने डिस्क्राइब किया, बोला क्या, बताइएगा व्हाट दे डिस्क्राइब्ड इट। And the Naliyara Divya Prabandhanam is described as Tamil Ved. Naliyara Divya Prabandhanam is described as Tamil Ved. Which Alwar women's song are played widely in Tamil Nadu? Kis Alwar Mahila ke Geet Tamil Nadu mein bahut bade paimane pe गाए जाते हैं। विच अलवार विमेन सॉन्ग आर प्लेड वाइडली इन तमिलनाडु, अलवार है ये देखिएगा। विच अलवार विमेन सॉन्ग आर प्लेड वाइडली इन तमिलनाडु एंड द करेक्ट राइट आंसर हियर इज अंदाल। अंदाल विल बी परफेक्ट करेक्ट राइट आंसर। चोरा लूलर्स ग्रांटेड लैंड टू बिल्ड विच गॉड टेम्पल, चोला रूलर्स ने यहां पे ग्रांट इश्यू किए किस भगवान के मंदिर के निर्माण के लिए। एंड दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास माय डियर। और मुझे उम्मीद है कि आप सबको बहुत ही मजा आया होगा इस क्विक कॉन्सेप्ट में। ऐसे क्विक कॉन्सेप्ट बिल्कुल शिवा एंड विष्णु दोनों के ही यहाँ पे मंदिर बनवाए, या दोनों ही अलवार और नैना ट्रेडिशन दोनों को ही इनका सपोर्ट हासिल था। सो भैया कैसी लगी आज की क्लास, मुझे उम्मीद है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी और बहुत ज्यादा मजा आप सबको इसमें आया भी होगा। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना बहुत आसान हो चुका है, और अप्लाई करके कोड AJYDLIVE और D10 बहुत और भी आसान हो गया है। AJYDLIVE और D10 अप्लाई करो तो भैया कोई सा भी कोड अप्लाई करो और पाओ डिस्काउंट 4 महीने का मात्र 5,200 रुपीज का, 6 मंथ का 6,650। कॉइन सुपर से आप बेनिफिट पा सकते हो, तो लो सब्सक्रिप्शन अप्लाई करके कोड और करो शुरुआत, क्योंकि अनअकैडमी प्लस के बहुत फायदे हैं।
अनअकैडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड करो, जिसके भी काफी फायदे आपको मिलते हैं। सो अभी आपको अलविदा बाय कहने का समय आ चुका है। थैंक यू सो मच। लेट्स क्रैक इट विद अनअकैडमी। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें।